हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी, जरूरत न हो तो न करें पाकिस्तान की यात्रा। खबर है कि पाकिस्तान में चल रहे गृहयुद्ध को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित अपने दूतावास को अलर्ट किया है और कहा है अपने नागरिकों से कि जरूरत न हो तो पाकिस्तान की यात्रा न करें। खबर है कि दूतावास में लोगों के आने पर रोक है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ जमीयत उलेमा इस्लाम JUIF के कार्यकर्ता इस्लामाबाद में सड़कों पर उतर आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान पर सुनवाई होनी है और उन्हें नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। रेसलर से केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था पर भरोसा करके धरना खत्म करना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कहा कि कानून व्यवस्था पर भरोसा करके रेसलर्स को अपना धरना खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज करके बयान लेकर जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सतीन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। खबर है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सतीन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। गौरतलब है कि जैन को इस मामले में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद हैं। बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की यात्रा पर लगी रोक। उत्तराखंड के चमोली स्थित सिख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी के बाद बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक आधिकारिक नोटिस में बताया गया है कि हेमकुंड साहिब में 7 से 8 फीट तक बर्फ जम गई है। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत 20 मई से होनी है। बजरंग दल की तुलना PFI से करने से जुड़े हुए केस में पंजाब के कोर्ट ने खड़गे को भेजा नोटिस। खबर है कि पंजाब के संगरूर की एक अदालत ने 100 करोड़ के मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 जुलाई को पेशी का नोटिस भेजा है। केस दायर करने वाले हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने कहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना PFI से की है और बैन का वादा किया है। तेलंगाना में $500 मिलियन का निवेश करेगी एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन। तेलंगाना के IT मंत्री KT रामाराव ने ट्वीट करके कहा है कि एप्पल की सप्लायर फॉक्सकॉन राज्य के कोंगारा कला में पहला संयंत्र स्थापित करने के लिए $500 मिलियन का निवेश करेगी। उन्होंने लिखा कि संयंत्र स्थापना के पहले चरण में 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फॉक्सकॉन ने हाल ही में कर्नाटक में भी 300 एकड़ जमीन खरीदी है। यह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई करके बाहर फेंक दो, जनसभा के वीडियो में हरियाणा के CM बोलते हुए पाए गए। खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह सिरसा के जनसंवाद कार्यक्रम में सुरक्षा कर्मियों से ये कह रहे हैं कि इसे राजनीति मत करने दो, यह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसकी पिटाई करो और उठाकर बाहर फेंक दो। खबर है कि आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सवाल पूछने वाले हरियाणा के नागरिक में खट्टर साहब को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।